हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी वैलेंसीज। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई। टू अ मोर सिंपल सब्सटेंस देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं ये एक पीरियोडिक टेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक मॉडल बनाया है जिसमें कुल 10 केमिकल फॉर्मूलाज हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केमिकल फॉर्मूला। तो पहला केमिकल फॉर्मूला है पोटेशियम क्लोराइड। तो अब हम केमिकल फॉर्मूला का नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है KCl, तो इसमें पोटेशियम और क्लोरीन प्रेजेंट होगा। तो पोटेशियम की वैलेंसी है 1 और इसका सिंबल है K। तो उसी में दूसरा एलिमेंट है हमारा क्लोरीन, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है और उसका सिंबल है Cl। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बना कैसे। तो उनकी मैंने रिस्पेक्टिव वैलेंसी उनके नीचे लिख दी है। अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू हम इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज करेंगे जिससे ये एक न्यूट्रल केमिकल बन पाए। तो अब इंटरचेंज करने से ये एक न्यूट्रल केमिकल बन गया और हमारा फॉर्मूला बना KCl। तो हमारा अगला केमिकल है एल्यूमिनियम फॉस्फेट और इसका केमिकल फॉर्मूला है AlPO4। तो यहाँ पे फॉस्फेट में ATE से हम समझ जाते हैं कि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो लेट्स सी इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इसका एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम जिसका वैलेंसी है 3 और उसके सिंबल Al है। और इसका जो हमारा दूसरा केमिकल एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस, उसकी वैलेंसी है 3 और उसका सिंबल है P। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बना। उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी उनके नीचे लिखी हुई है। अब इनको ये न्यूट्रल बनाने के लिए हमने इनको इंटरचेंज किया। अब यहाँ पे ये जब सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे ये न्यूट्रल हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दीज आर 4 ग्रुप ऑफ फॉस्फोरस, तो ये एक नॉन मेटल है। तो अब हमारा अगला केमिकल फॉर्मूला है NaCl। तो इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। तो इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। तो इसमें जो केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है सोडियम जिसका सिंबल है Na, उसकी वैलेंसी है 1 और अगला केमिकल एलिमेंट इसमें है अगेन क्लोरीन और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और इसका सिंबल है Cl। तो अगेन हम इंटरचेंज करते हैं इनकी वैलेंसी और इसका फॉर्मूला NaCl आता है। तो अगला केमिकल फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CO2। तो अब इसमें देखते हैं कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसमें है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसका सिंबल है C। तो दूसरी तरफ इसमें है प्रेजेंट ऑक्सीजन और उसकी वैलेंसी है 2 और उसका सिंबल है O। अब अगेन क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू हम इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज करेंगे और ये सिंप्लीफाई होने के कारण हम 4 को कट कर देंगे 2 से और यहाँ पे 2 बचेगा, तो इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला आता है CO2। तो अगला केमिकल फॉर्मूला है MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट। अगेन एक पॉलीएटॉमिक आयन है सल्फेट। तो इसमें देखते हैं मैग्नीशियम पहला एलिमेंट जो है जिसकी वैलेंसी है 2 और उसका सिंबल है Mg। दूसरा एलिमेंट है इसमें सल्फर जिसकी वैलेंसी है 2, इसका सिंबल है S। तो अगेन हम फिर से क्रिस क्रॉस मेथड के थ्रू हम इनकी वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे और ये सिंप्लीफाई होगा, तो हम इनकी वैलेंसी सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब यहाँ पे अगेन 4 का मतलब है देयर 4 ग्रुप्स ऑफ S यानी सल्फेट जो है एक नॉन मेटल। तो इस कारण तो इससे बनता है MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट।
अगला केमिकल है हमारे पास, तो अमोनिया का केमिकल नेम है अजीन और इसका केमिकल फॉर्मूला है NH3। इसमें केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन, जिसका वैलेंसी है 3 और इसका सिंबल है N, और दूसरा इसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसमें वैलेंसी है 1 और इसका सिंबल है H। तो अगेन क्रिस-क्रॉस मेथड के थ्रू इनकी वैलेंसी हम इंटरचेंज करेंगे और इससे केमिकल फॉर्मूला बनता है NH3। तो हमारा अगला केमिकल फॉर्मूला है HCl, जो है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें आप समझ गए होंगे कौन से केमिकल प्रेजेंट है, तो इसमें है हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1 है और उसका केमिकल सिंबल है H। तो इसमें अगला केमिकल है क्लोराइड, जो है Cl और इसकी वैलेंसी है 1। अगेन क्रिस-क्रॉस मेथड के थ्रू ये इसकी वैलेंसी इंटरचेंज होगी और ये एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसका सिंबल बनेगा HCl। आते हैं अगले केमिकल फॉर्मूला पे, जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे नाइट्रेट यानी ATA लास्ट में लगा है, तो ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है और ये एक नॉन मेटल है। अगेन मैं आपको बता दूँ, यहाँ इसका केमिकल फॉर्मूला है Mg(NO3)2। तो इसमें NO3 इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, प्लस ये बताता है कि देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल। तो अब देखते हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं। मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg और उसकी वैलेंसी है 2, और दूसरा केमिकल है नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी 3 है और इसका केमिकल सिंबल है N। अगेन क्रिस-क्रॉस मेथड के थ्रू इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होगी जिससे ये न्यूट्रलाइज होंगे, और 3 ग्रुप्स ऑफ नाइट्रेट है ये, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 का मतलब क्या हुआ। तो 2 का मतलब होगा देयर आर 2 नाइट्रेट्स इन दिस केमिकल। तो अगला केमिकल फॉर्मूला है H2S, जो है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे पहला केमिकल एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी है 1, केमिकल सिंबल है H। दूसरा केमिकल है इसमें सल्फर, सल्फर की वैलेंसी है 2 और इसका केमिकल सिंबल है S। अगेन क्रिस-क्रॉस मेथड के थ्रू हम इंटरचेंज करेंगे वैलेंसी और इससे केमिकल फॉर्मूला बनता है H2S। अब अगले केमिकल फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, जो है वाटर। तो क्या आप जानते हो वाटर का केमिकल नेम क्या है? वाटर का केमिकल नेम है ऑक्सीडेन और इसका केमिकल फॉर्मूला आप सबने सुना होगा शायद से, जो है H2O। तो अब देखते हैं ये H2O केमिकल फॉर्मूला कैसे बना। तो इसमें केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी है 1 और इसके सिंबल है H, और इसके बाद इसमें एक और केमिकल है जो है ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी है 2 और इसका केमिकल सिंबल है O। अगेन हम न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको इंटरचेंज करेंगे क्रिस-क्रॉस मेथड के थ्रू और हमारा केमिकल फॉर्मूला बनेगा H2O। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि केमिकल फॉर्मूलास कैसे बनते हैं।